मुख्यमंत्री सैनी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया। उन्होंने आज पंचकुला के करीब 315 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज पंचकुला में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भवन का शिलान्यास हुआ है। विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास हुआ है। लगभग 315 करोड़ की लागत से यह भवन बनने वाले हैं, जिसका लाभ यहां के युवाओं को जरूर मिलेगा। यह है कि आज पंचकुला में 315 करोड़ रुपए के एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भवन का आज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भवन का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज के भवन का भी आज शिलान्यास हुआ है। लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से दोनों भवन बनने वाले हैं, जिसका लाभ यहाँ हमारे पंचकुला के साथ साथ पूरे हरियाणा के युवाओं को वो मिलेगा। हरियाणा के युवाओं को तो मिलेगा, हरियाणा से बाहर के युवा भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेकर के वो एक अच्छा यहाँ पर जब उनको आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे हरियाणा के बच्चे जाएंगे। अभी तो शूटिंग रेंज के अंदर हमने देखा भी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटी मनु भाकर ने वो गोल्ड मेडल लिए है, हमारे सर्वजोत सिंह ने एक मेडल लिया है, वो शूटिंग के अंदर लिया है। हमारा सम्मान, हमारा मान बढ़ाने का काम किया है और इस संस्थान का एक बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा, जो आखिर के यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं के सभी लिए आज भवन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है।